हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 15C एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है 3 बटन नेविगेशन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये 3 बटन नेविगेशन सेटिंग जो है ना काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा 3 बटन नेविगेशन का, इसके सामने एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल पे आपको सेलेक्ट करना है, जिससे सेटिंग आपकी इनेबल हो जाएगी यानी कि ऑन हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मेरे मोबाइल फोन के सबसे नीचे यहाँ पे 3 बटन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं सर्कल पे सेलेक्ट करूंगा, इस सेटिंग को ऑन करूंगा, तो नीचे 3 बटन ये दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस सेटिंग आपकी इनेबल होने के बाद ये सेटिंग ऐसे काम करती है। अब मैं सेटिंग का ना यूज आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप पहला बटन सेलेक्ट करेंगे तो आपका फोन बैक पेज पे जाएगा, अगर आप बीच वाला बटन दबाएंगे तो आपका फोन मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पे चला जाएगा, अगर आप इसे तीसरे बटन पे सेलेक्ट करेंगे ना 3 लाइन पे, तो आपका फोन इस तरीके से ओवरव्यू हो जाएगा। तो ये सेटिंग ना ऐसे काम करती है 3 बटन नेविगेशन सेटिंग इनेबल करने के बाद। अब मैं आपको इस सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ना फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो चलिए हम फिर से ओपन कर लेते हैं सेटिंग पेज को। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन, सर्च आइकन पे आपको इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम नेविगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप कीजिए इस तरीके से सिस्टम नेविगेशन, ठीक है। तो आपको जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सिस्टम नेविगेशन टाइप करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे सेलेक्ट करना है, इससे क्या होता है आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है, और इस सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे तो अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।